हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय पांडे और जैसा कि आप जानते हैं अपने कई सालों के एयरलाइन और एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके सवालों का जवाब देता हूं, आपको गाइड करता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए क्या करें, चाहे वो कैबिन क्रू का हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ का हो या फिर कुछ और। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तारा एयरलाइन की लेटेस्ट वैकेंसी, उसे अप्लाई कैसे करें ताकि आपका CV शॉर्टलिस्ट हो और आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आए, और सबसे बड़ी चीज आपको ये सिखाऊंगा कि आप जॉब अलर्ट कैसे क्रिएट करें ताकि एयरलाइन के साइड से खुद आपके पास, जी हाँ दोस्तों, एयरलाइन के साइड से खुद आपके पास मेल आएगा आपके प्रेफरेंस। अगर आपने केबिन क्रू का ऑप्शन दिया है तो केबिन क्रू की वैकेंसी का डिटेल आएगा, ग्राउंड स्टाफ, पायलट, कैप्टन, क्रू, जो भी डिटेल आप डालेंगे, चाहे कार्गो का हो या केटरिंग का, जो भी डिटेल आप डालेंगे उसी के रिकॉर्डिंग आपके पास हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसा आपका ऑप्शन होगा आपके पास मेल आ जाया करेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहें आखिरी तक और देखें ध्यान से। दोस्तों, वीडियो के स्क्रीन पे जो आप ईमेल देख पा रहे हैं, ईमेल बॉक्स देख पा रहे हैं, वो मेरा खुद का पर्सनल जीमेल अकाउंट है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं व्यू करके दिखा रहा हूँ, क्लोज करके यहाँ पे देखिए, सबसे टॉप में विस्तारा की साइट से मेरे पास मेल आया हुआ है कि कौन सी फिलहाल वैकेंसी है। ये वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव HR का और नीचे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। ये मेल मेरे पास आज सुबह ही आ रखा है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल दिखाऊंगा। देखिए, मैंने सर्च किया तो सैकड़ों मेल है जो कि मेरे पास एज पर द प्रेफरेंस, एज पर द रिक्वायरमेंट जो मैंने सेट कर रखा है, विस्तारा के साइड से आते रहते हैं। पे वीडियो के स्क्रीन पे अभी जो आप देख पा रहे हैं वो है लेटेस्ट वैकेंसी का आलम, जो कि आपको थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपने साइड से इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि वैकेंसी है। इनमें से मैक्सिमम वैकेंसीज एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स के लिए हैं, लेकिन कुछ एक वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए भी हो सकती हैं, आपको चेक करना है। दोस्तों, आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जॉब अलर्ट क्रिएट करना है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एयर अरबिया जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन है, वहां के साइड से भी, उनके साइड से भी मेरे पास मेल आते हैं। तो दोस्तों, ये वो ट्रिक है कि आपके पास मेल आ जाया करेगा, आपको बस केवल अप्लाई करना है। तो विस्तारा में जॉब चेक करने के लिए, अप्लाई करने के लिए और अलर्ट क्रिएट करने के लिए आपको विस्तारा की साइट पे जाना होगा। वहाँ जाकर आप किसी भी टैब पे, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो कैबिन क्रू, पायलट, फ्लाइट ऑपरेशन, कार्गो, कहीं भी, मैं यहाँ ऑप्ट कर रहा हूँ ग्राउंड स्टाफ, जिसमें कमर्शियल सिक्योरिटी का आता है। वहाँ पे मैं जब टैब करूँगा, वहाँ जब मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ क्रिएट करना होगा आपको अलर्ट, यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए, जिसके लिए आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो पेज आपको ओपन होगा वहाँ पे सारा डिटेल आपको फिलअप करना होगा, जिस ईमेल आईडी पे आपको डिटेल चाहिए, जहाँ से आपका कन्वर्सेशन होगा वो ईमेल आईडी डालिए, और आपको इस पर्टिकुलर यानी विस्तारा के कन्वर्सेशन के लिए, विस्तारा में अप्लाई करने के लिए आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा जो कि केवल इसी पार्ट के लिए यूजेबल होगा। यहाँ पे वो सारा डिटेल क्रिएट करने के बाद, फिलअप करने के बाद, बिल्कुल सावधानी से डिटेल यहाँ पर करें क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल आप क्रिएट करेंगे वो आपको बाद में याद भी होना चाहिए और इसी के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे वहाँ पे आपको कंट्री कोड में कहाँ से हैं, आप इंडिया करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको +91 या जो भी डिटेल्स होता है आपको दिखाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे, मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे जो कंट्री रीजन है आपको, वहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे जो नीचे आ रहा है वहाँ पे रिसीव न्यू जॉब नोटिफिकेशन को टिक करना न भूलें। सारा सब कुछ चेक करने के बाद, रिकन्फर्म करने के बाद आपको आना है नीचे, या यहाँ पे देखिए फिर से वही आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं। नीचे आपको आने के बाद क्रिएट अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपको दिखाएगा टर्म्स ऑफ
जो यूजर्स हैं आप उसे क्लिक कर कर सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्ट कर लेंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया, क्रिएट हो गया और इसका मेल भी आपको आ जाएगा। मेल पर जाकर आप इसे दोबारा से चेक कर लेंगे कि मेल आया कि नहीं। ये देखिए उसका पूरा डिटेल जो मेल पे आपका आता है उसके बारे में है ये। तो उसके बाद मूव करना है आपको उस पेज पे जहाँ से आप मूव कर गए थे, यानी कि जहाँ पे आपने लॉगिन किया था वहाँ पे जाकर, यहाँ थोड़ा सा फास्ट मूव करूँगा, आप अपना CV यानी रिज्यूम अपलोड कीजिए, कवरिंग लेटर जहाँ आपने सेव कर रखा है उसको अपलोड कीजिए और भी अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉलम आपके काम का नहीं है आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स हैं उनको बहुत सावधानी से फिलअप करना है, जल्दबाजी में नहीं रहना है। जो भी डिटेल आप फिलअप करेंगे उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं आगे अप्लाई करने के लिए या ऑटोमेटिक अप्लाई करने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सारा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे जब आप सेव का ऑप्शन डालेंगे तो आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट न्यू जॉब अलर्ट का आपको ऑप्शन दिखाने के लिए आपको कहाँ चलना होगा। ऑप्शंस में आकर आप देखिए सेकेंड जो ऑप्शन है जॉब अलर्ट, यहाँ पे दोस्तों आकर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आप क्रिएट न्यू जॉब अलर्ट भी कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं। अब आपको जिस प्रोफाइल के लिए जॉब अलर्ट क्रिएट करना हो उसका वहाँ पर नाम आप डाल सकते हैं दोस्तों। क्रिएट न्यू अलर्ट पे करके जहाँ भी जो भी डिटेल्स डालेंगे उसका डिटेल आपको, अगर वैकेंसी भी होगी उससे रिलेटेड कुछ भी वैकेंसी होगी, डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली हो, ज़रूर दिखाएगा। यहाँ मैंने टाइप किया केबिन क्रू और मैंने चेक किया प्रीव्यू में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर JPC और इसके रिगार्डिंग जो भी है आपको ये दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोफाइल है कहीं ना कहीं इसमें केबिन क्रू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है, ये जो सिस्टम है, इतना अलर्ट है, इतना एक्यूरेट है कि आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको आती हैं उसमें बिल्कुल करेक्टली और एक्यूरेटली यहाँ पर चेक करके वो इन्फॉर्मेशन दिखा सकता है और दिखा देता है। यहाँ पर देखिए आपका एक पिच में इसमें एक क्रू वर्ड आया हुआ है, उसी के बेसिस पे इसने इसको चेक किया और आपको दिखा दिया। नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्रू वर्ड आ रहा है तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जॉब अलर्ट क्रिएट कर देंगे, क्रिएट जॉब अलर्ट क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपने 7 दिन के लिए किया है तो 7 दिन बाद आएगा और जल्दी चाहते हैं तो वहाँ पर आपको आ सकता है। तो दोस्तों उसे अप्लाई करने के लिए आपको दोबारा से अपना सारा डिटेल रिव्यू कर लेना है, कुछ चेंजेस करने हैं या फिर जॉब के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई अगर आप कर रहे हैं ऊपर दिखा रहा है प्लीज़ करेक्ट, तो ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं जिसमें आपका एड्रेस का आ जाएगा और भी आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसमें आपको दोबारा से रिव्यू करके दोबारा से आपको उसमें डिटेल डालना ज़रूरी है। एक बात यहाँ पे एक बात ध्यान देना ज़रूरी है कि जो भी डिटेल आप फिलअप कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, आपके नॉलेज और आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि बाद में अगर इसके बेसिस पे अगर वेरिफिकेशन होता है, सपोज आफ्टर सिलेक्शन मैंने एक दो ऐसे केसेस देखे हैं कि वहाँ पे इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन की बात बोलकर रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो जो भी डिटेल आप यहाँ पर डाल रहे हैं उसे सही से डालें और उसके बाद इसे सबमिट करने का ऑप्शन जो आपको नीचे दिखाएगा वहां से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो नीचे जो ऑप्शन है अप्लाई करने का उसे क्लिक करने के बाद अगर कोई एरर दिखाता है दोबारा से चेक करके दोबारा से उसे फिलअप करके एंड अप्लाई का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के जवाबों को जिस तरह से मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, उनका जवाब दिया, आप इससे सहमत और आप इससे सेटिस्फाइड जरूर होंगे। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।